हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजार जैसी पाव भाजी की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने एक चम्मच ऑयल लिया है। अब हम एक चम्मच जीरा डालेंगे और कुछ सब्जियाँ ली है वो डाल देंगे। दो हमने आलू लिए हैं और थोड़ी सी हमने फूलगोभी ली है और थोड़ी सी गाजर लिए हैं और दो टमाटर लिए हैं फ्रेंड्स, और तीन हरी मिर्चें और थोड़ी सी बीट ली है। तो अब हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें दो विसल आने तक सब्जियों को पका लेना है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जियां पक चुकी है। तो अब हमें पोटैटो मैशर लेंगे और मैश कर लेंगे सभी सब्जियों को। और देखिए, हमारी सब्जियां मैश हो गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे फ्रेंड्स और थोड़ा सा हमने इसमें बटर डाला है। अब हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे और एक बड़े साइज का हमने प्याज डाला है फ्रेंड्स कट करके। अब हम एक मिनट के लिए उसे पका लेंगे। और एक हमने शिमला मिर्च को कट किया है वो डाल देंगे। तो एक मिनट के लिए हमें पका लेना है। और एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और दो चम्मच हमने पाव भाजी मसाला डाला है फ्रेंड्स, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। तो अब हम सब्जियों को थोड़ी देर पकाएंगे। तो आधी कटोरी हमने हरे मटर लिए हैं फ्रेंड्स, अब वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और सब्जियों को पकने देंगे। अब हम हमारी सब्जियां डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मटर सब्जियों में बॉईल करना है तो सब्जियों में भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हो। तो अब हम हरा धनिया डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है हमारी पाव भाजी का। अब हम आधा नींबू का रस डालेंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया बनी है हमारी पाव भाजी। तो अब हम एक तवा लेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। अब हम पाव को सेक लेंगे और थोड़ी सी हमने पाव भाजी बनाई थी वो डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम पाव सेक लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी पाव भाजी तैयार है। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।